देखते देखते मंजर तबाही का, अब अश्क भी सूख गए हैं बेगुनाही का। कोई आस रोशनी की नज़र आती नहीं, ईश्वर भी लुप्त उठा रहा है हमारी बर्बादी का। नमस्कार, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। पत्रकारिता जगत का नायाब हीरा रोहित सरदाना हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन साथ है उनकी यादें, उनकी मुस्कुराहटें, उनकी जिंदा दिली और उनके हौसलों की कहानी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उनके हौसलों की, उनके जिंदा दिली की और उनके हाजिर जवाबी की कुछ कहानियाँ और उनके जीवन के सफ़र के बारे में। कैसे वो पत्रकारिता जगत में आए और आए तो कैसे वो इतना नाम कमाएं। ये वीडियो हमारे तरफ से उनके लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये वो दौर चल रहा है जब पता नहीं सुबह की नींद किसके खोने से खुले, अपनों के या सपनों के, खुले भी या ना, पता नहीं। आज हम डर के चौखट पे बैठ पेट की आग बुझाने के लिए हर रोज मौत से दो चार कर रहे हैं। मौत से छिपते छिपाते चकमा देते हर रोज गुजरते हैं डरावनी गलियों से, पर कमबख्त ये मौत है जो हमें ढूंढ ही लेता है, कभी वक्त तो कभी बेवक्त। आज एक पत्रकार भी मौत से आंख मिचोली में बेवक्त पकड़ा गया और हार गया। कोरोना ने हार्ट अटैक से दोस्ती की और इनके सांसों पर हावी हो गया। लंबे समय से टीवी मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल प्रसारित होने वाले शो दंगल का एंकरिंग करते थे। 22 सितंबर 1979 को जन्मे जिंदा दिल हाजिर जवाबी रोहित सरदाना को 1997 में जब चाह हुई टीवी पे आने की तो इन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, लेकिन 3 दिन के बाद वो NSD से भाग आए। उसके बाद इन्होंने सोचा करना कुछ भी है लेकिन आना तो टीवी पर ही है। लेकिन इनकी इंग्लिश से दुश्मनी और हिंदी से ज़्यादा दोस्ती नहीं होने के कारण इन्होंने सबसे पहले अपने भाषा पे काम किया। रोहित पत्रकारिता की पढ़ाई से पहले ही पेपर पे आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए थे। कई पेपरों में इनके आर्टिकल आया करते थे। पत्रकारिता के पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने आकाशवाणी में काम करना शुरू कर दिया। आकाशवाणी के साथ ही इन्हें सिटी केबल का प्रोग्राम भी मिल गया। आकाशवाणी में काम करने के कारण ये अपने दोस्तों के बीच स्टार बन गए, क्योंकि ये उनकी गर्लफ्रेंड्स के लिए गाना बजा दिया करते थे। लेकिन इनके आगे बढ़ने की ललक ने इन्हें ETV तक ले गया। वहाँ रिपोर्टर बनने के बाद इन्हें समझ आया कि ये इतना आसान भी नहीं है, ये तो ज़िंदगी है एक आर्मी वाली। इस दौरान इनका ट्रांसफर हैदराबाद हो गया, जहां इन्होंने VT एडिटर का काम सीखना शुरू किया। इसी दौरान गुजरात इलेक्शन शुरू हो गया, जिसके लिए इन्हें गुजराती भी सीखनी पड़ी। यहाँ काम करते करते इन्हें इतना समझ आ गया कि VT बनकर ये TV पर नहीं आ सकते। अंत में इन्होंने अपने बॉस को जाकर जॉब छोड़ने की बात कही, जिस बात से बॉस सकते में आ गए, क्योंकि पूरा गुजरात इलेक्शन अटका पड़ा था, जिसके मेन हैंडलर रोहित सरदाना बन चुके थे। फिर इन्हें कुछ शर्तों के साथ इन्हें एंकरिंग करने का मौका ETV में ही मिल गया। रोहित के खुद के भरोसे ने इनके TV का सफर पगडंडी से हाईवे तक का रास्ता पकड़ लिया। इनका मानना है अपॉर्चुनिटी कभी छोड़नी नहीं चाहिए। ETV में मिले मौके को इन्होंने बहुत अच्छे से भुनाया और अपने VT के सैलरी के साथ साथ इन्हें एंकरिंग की भी सैलरी मिल रही थी। एक साल बाद जब इन्होंने छोड़ा था तो इनकी लास्ट जो सैलरी थी वो 72,000 बनकर आई थी। 2004 में जब इन्होंने जी न्यूज ज्वाइन किया तो पहले ही दिन इन्हें क्रिकेट का रिपोर्ट अपडेट करने को कहा गया और साथ में बातें करने को कही गई कपिल देव जी से, उस समय के सबसे बड़े कप्तान। लेकिन इन्हें क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज था नहीं, उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि ये क्रिकेट अपडेट दे पाए, क्रिकेट के ऊपर बातें कर पाए। तब इन्हें कहीं से एक पेपर की कटिंग मिल गई, उस कटिंग में रवि शास्त्री का आर्टिकल था। उस आर्टिकल को पढ़कर वो कुछ इस तरीके से कपिल देव जी से बातें की है कि कपिल देव जी ने खुद इन्हें रिकमेंड किया चैनल को कि इन्हीं से क्रिकेट के सेक्शन को काम कराया जाए। और उसके बाद लगभग 8 सालों तक इन्होंने क्रिकेट पे अपनी रिपोर्टिंग की, क्रिकेट पे एंकरिंग की, और उसके बाद आया ताल ठोक। 2004 में जब इन्होंने GE News ज्वाइन किया तो इनका ताल ठोक शो काफ़ी चर्चित हुआ। इनका मानना है मास्टर बनना जरूरी नहीं, जरूरी है हौसले के साथ चैलेंज को एक्सेप्ट करना। एक चैलेंज जीतोगे तो दूसरा चैलेंज आसान होगा, ऐसे थे मशहूर पत्रकार रोहित सरदाना।
वो अक्सर अपनी दोनों बेटियों की तस्वीर और कविताएं सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करते थे। 2018 में ही रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा जा चुका था। उनके साथियों का कहना है वो कभी किसी की बात सुनने के लिए व्यस्त नहीं होते थे, इत्मीनान से सबसे बात करते थे, उनकी बातों पर ध्यान देकर, बातों को ध्यान से सुनकर उन अपनी राय प्रकट करते थे। COVID-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी उन्होंने अपने साथियों से कहा था खुद का टेस्ट कराने को, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। 2002 से 2003 के मिड तक कॉपी एडिटर के रूप में रोहित काम किए, 2003 से 4 तक सहारा समय में असिस्टेंट प्रोड्यूसर का भी काम किए, और अंततः आज तक में वो दंगल के हीरो रहे। रोहित आखिरी सांस तक दूसरों की मदद में जुटे रहे। तकरीबन 6 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होने की बात पता चलने के बाद भी वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते रहे। उनका अंतिम ट्वीट भी 29 अप्रैल को कानपुर में किसी मरीज के लिए रेमडेसिविर की जरूरत और उनकी मदद करने की अपील से जुड़ी थी। आज भले ही रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कुराती हुई छवि हमारे नजरों से कभी ओझल नहीं हो सकती। धन्यवाद।